नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ अपने किचन गार्डन की तरफ। ये मेरा घर और इस टॉवर ऊपर घर और घर के साथ जो है मेरा किचन गार्डन। तो मैंने किचन गार्डन में जो है 4-5 वैरायटी सब्जी लगाई हुई है, जैसे हरी मिर्च, हल्दी, स्ट्रॉबेरी की 1-2 प्लांट, फ्रांस बीन्स, भिंडी, कचालू और इस तरह की मैंने जो है करेले, इस तरह के मैंने किचन गार्डन में जो सब्जियां लगाई हुई है। साथ में पेड़ भी लगे हुए हैं, गिलगिल का पेड़ है, सेब का है, आम का है और आरू का है। और साथ में पापा ने ये लुकाट का भी लगा दिया, ये छोटा सा प्लांट जो है लुकाट का ही। तो अभी जो है मैं मिर्ची के प्लांट को जो है मिट्टी चढ़ा रहा हूँ। तो मिर्ची के प्लांट के साथ साथ लाइन में जो है हमने फ्रांस बीन्स भी लगाई हुई है और हल्दी के भी प्लांट है कुछ। ये हल्दी के प्लांट है ये, और बीच में हमने लगा दिए लाइनों में हरा धनिया भी लगा दिया है। और ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट है कुछ एक, ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगे हुए हैं ये, और ये भी ये हल्दी के प्लांट होते हैं ये, और ये हल्दियाँ, और ये फ्रांस बीन्स, ये हरी मिर्च के ज़्यादा प्लांट लगाए हुए हैं। और बीच में मिक्सिंग की हुई है भिंडी की, बीन्स की, ये बीन्स भी लगा दिए बीच में ये लाइनों में, देख सकते ये नीचे तक लाइन जो है फ्रांस बीन की लगी हुई है, और नीचे भिंडी, ये इस तरफ जो है भिंडी लगाई हुई है। ये भिंडी और ये हरी मिर्च की नर्सरी बची है कुछ एक, और ये अरबी, कचालू लगे हुए हैं। तो ये हल्दी के प्लांट जो है कुछ एक इस तरफ भी लगे हुए हैं, और साथ में करेले भी लगाए हुए हैं, घिया भी लगाया हुआ है, घिया और करेला का जो है घिया और करेले की बेल को जो हम इन पेड़ों में ऊपर चढ़ा देंगे। तो अभी मैं जो इसमें मिट्टी चढ़ा रहा हूँ फावड़े से, ये है मेरा फावड़ा, ये फावड़ा है, और इस फावड़े से इसकी मिट्टी चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्लांट जो बड़े बड़े हो चुके हैं ये मिर्ची के प्लांट, अब इनको जो मिट्टी चढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि मिट्टी चढ़ाना जो है, जैसे मैं पहले ही बताता रहता हूँ कि मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी से एक तो प्लांट में मजबूती आती है, प्लांट में पकड़ आती है, और प्लांट जो है सीधा और सतर्क रहता है, और दूसरा पानी देने में आसानी रहती है, और तीसरा जब फ्रूट्स वगैरह आते हैं, फ्लावरिंग आती है, तो प्लांट को जो है बाहर सहने की क्षमता आ जाती है, तो इसलिए इसमें जो है मिट्टी चढ़ाई जाती है। तो अभी मिट्टी चढ़ाने का काम चला हुआ, मैंने एक बेड को मिट्टी चढ़ाई, अब 3-4 बेड और है आगे। किचन गार्डन मैंने इस बार हरी मिर्ची लगाई, और ये कुछ एक ऐसी छोटा सा किचन गार्डन है मेरा, बड़े खेतों नीचे, जैसे बड़े खेतों में वीडियो के माध्यम से आपको कृषि के बारे में जानकारी बताता रहता हूँ। कल भी वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि कैसे जो है उसकी बैंगन की, उसके पीछे भी जो है खीरे की, टमाटर की, एक्सेक्ट्रा जो है बार बार वीडियो डालता रहता यूट्यूब के माध्यम से। तो अभी जो है हम बीन्स के अपने किचन गार्डन में पहुंच चुके हैं, तो अभी यहाँ मिट्टी चढ़ा रहा हूँ। तो मिट्टी चढ़ाना, मैंने जैसे पहले बोला कि मिट्टी चढ़ाना काफ़ी ज़रूरी होता है, और अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मिट्टी चढ़ाई जाती है और कैसे जो है लाइनों से, फावड़े से जो है मिट्टी प्लांट को लगाई जाती है। तो आप वीडियो को बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सामने मिट्टी चढ़ाऊँगा मैं, और मिट्टी चढ़ाने के बाद भी आपको इंटरफेस दिखाऊंगा, अगर अंधेरा जल्दी नहीं हुआ तो, कि कैसा जो है मिट्टी चढ़ाने के बाद कैसा नज़ारा आता है। तो जैसे ये है, इस तरह के पूरा प्लॉट जो है, पूरा किचन गार्डन मेरा ऐसे इस तरह से दिखेगा, अभी जैसे इस तरह से दिख रहा तो बाद में इस तरह से दिखेगा। तो अब मैं मिट्टी चढ़ा रहा हूँ, ये मेरा फावड़ा, तो आप जो है वीडियो में बने रहें। और ये हमने, जैसे मैंने नर्सरी डाली थी हरी मिर्च की, तो मैंने आपको बताया था कैसे जो नर्सरी डाली जाती है, और नर्सरी डालने के बाद में जो प्लांट जो कब तैयार हो जाते हैं और कैसे जो इनकी रोपाई की जाती है, तो पहले ही वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, तो आज भी बता देता हूँ। तो ये इसकी हमने जून के स्टार्टिंग में ही रोपाई की थी, पिछली वाली कल वाली बैंगन की वीडियो डाली थी, वो भी हमने जून के स्टार्टिंग में रोपाई की हुई है। गलती से मेरे से मई महीने का नाम आ गया था, मई बोल दिया था, मगर उसकी रोपाई जो हमने जून में की है, अभी जून का महीना चला हुआ है, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था, मैंने सोचा मई का चला हुआ, मगर अभी जो है जून का महीना है, तो जून के महीने में इसकी हमने रोपाई की है। मार्च में भी कर सकते हैं, अप्रैल में भी कर सकते हैं, मई में भी कर सकते हैं, जून में भी कर सकते हैं, और जून के बाद आगे बरसात आ जाती है तो बरसात में भी कर सकते हैं, हरी मिर्च जो है चलती रहती है। तो साथ में हमने यहाँ भिंडी लगा दी है, ये भिंडी के प्लांट लगाए, भिंडी थोड़ा खेत में लगाया है, कुछ बेड खेत में लगाए हैं भिंडी के प्लांट, जब वो ख़त्म हो जाएंगे तभी ये तैयार हो जाएंगे। बीन्स भी लगाई है, जैसे अभी मार्केट में बीन्स जो है 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, और भिंडी 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। भिंडी तो हमारे खेत में तैयार हो चुकी है, शिमला मिर्च तैयार है, खीरा तैयार है, कुछ एक प्लांट बीन्स के भी तैयार है सब्जी के लिए अपने लिए, और जब वो भिंडी ख़त्म होगी तो ये भिंडी तैयार हो जाएगी।
साथ साथ में यहाँ हमारे खेत में जो अपने लिए हमने मैक्सिमम सब्जियाँ जो लगाई होती है, जैसे वीडियो के माध्यम से मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो द्वारा कि हमने क्या क्या सब्जियाँ लगाई होती है। अभी तकरीबन जो 15 से 20 आइटम जो मैंने सब्जियों की लगाई हुई है, अभी आपको काउंट करा दूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, हरी मिर्च, बीन्स, खास बीन्स, भिंडी और हल्दी और ये धनिया, धनिया के साथ जो है कुछ एक प्लांट स्ट्रॉबेरी के भी लगाए हैं, कचालू और उसके बाद घिया, करेला, गंडोली, उसके बाद जो है एक्सेट्रा। मैं मतलब इतना दिमाग में याद नहीं आता कितनी आइटम जो हमने अपने खेत में सब्जियां लगाई हुई है। तो आप भी जो अपने किचन गार्डन में घरों में कृषि कर सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप YouTube में जाए, नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल सर्च करें और वहाँ से कृषि खासकर सब्जियों से संबंधित जो है संबंधित अनेकों जानकारियाँ वहाँ से आप प्राप्त कर सके और कर सकते हैं, और वहाँ से वीडियो जो है देखकर आप कृषि या खेतीबाड़ी सब्जियाँ उगा सकते हैं। तो ये था मेरा मेन टॉपिक कि आप भी जो अपने घरों में किचन गार्डन में कैसे खुद जो है सब्जियाँ उगाएं और खुद जो नेचुरल सब्जियाँ प्राकृतिक सब्जियाँ तैयार करें। तो अभी मैं मिट्टी चढ़ा रहा हूँ दोस्तों, अंधेरा होने वाला है, समय का अभाव है, तो अभी मिट्टी चढ़ा रहा हूँ तो आपको बताऊँगा कैसे जो है मिट्टी चढ़ाई जाती है। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें और लास्ट तक वीडियो देखें, साथ में चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक कर लें, ताकि आगे से जो भी जानकारी या जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सके और कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि और दोस्तों को भी कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी अपने घर में किचन गार्डन में खेती कर सके। तो अभी आप जो है वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। इस तरह से आप जो फावड़े से मिट्टी चढ़ा सकते हैं, और इस तरह से मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मिट्टी चढ़ाना क्यों ज़रूरी होता है, इस हिसाब से जो आगे अच्छे ग्राइंड कर मिट्टी चढ़ाने के साथ साथ जो इसका लेवल भी बनाना पड़ता है दोस्तों, पानी का लेवल बनाना पड़ता है ताकि पानी स्टेबल एक जगह रुक सके और चारों प्लांट को जो सब पूरे सारे प्लांट को जो है पानी मिल सके, बराबर पानी मिल सके, इसलिए इसको जो है लेवल भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इसी तरह से आगे जो मैं मिट्टी लगातार चढ़ाता जाऊँगा तो आपको बताऊँगा कैसे जो है मिट्टी चढ़ा के मैंने बेड्स कम्प्लीट किए। तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। तो इस तरह से हमने जो मिट्टी कंप्लीट कर दी, कुछ दो चार लाइनें बची, तो अभी यहाँ जो है मिट्टी चढ़ा रहे हैं हम। तो इसको जो ऐसे फाइनली करके हमने ऐसे ऐसे करके जो मिट्टी चढ़ा दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर शेयर करें, जैसे पहले वाला लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे से आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये था आज की वीडियो मेरी,